नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 रसायन विज्ञान चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन कैसे बनती है, आप इसे कैसे समझाएंगे। उत्तर, मेथेन का क्लोरीकरण एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है जो निम्नलिखित क्रियाविधि से होती है। नंबर 1, श्रृंखला समान समार बन चैन इनिटेशन समांस विदलन सीएल सिंगल बांड सीएल प्रोडक्ट सीएल प्लस सीएल। नंबर 2, श्रृंखला संचरण चैन प्रोपरगेशन सीएच फोर प्लस सीएल प्रोडक्ट सीएच थ्री प्लस सी एच सीएल सीएच थ्री प्लस सीएल सिंगल बांड सीएल प्रोडक्ट सीएच थ्री सीएल प्लस सीएल। नंबर 3, श्रृंखला समापन सी एस थ्री प्लस सी एस थ्री प्रोडक्ट सी एस थ्री एथेन सी एस थ्री प्लस सी एल प्रोडक्ट सी एस थ्री सी एल सी एल प्लस सी एल प्रोडक्ट सी एल टू। इस क्रियाविधि से स्पष्ट है कि मुक्त मूलक सी एस थ्री परस्पर संयुक्त होकर एथेन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित यौगिकों के आई यू पी एस सी नाम लिखिए। क, सी एस थ्री सी एच डबल बांड सी सी एच थ्री ट्वाइस। ख, सी एच टू डबल बांड सी एच सिंगल बांड सी एच सिंगल बांड सी डबल बांड सी सिंगल बांड सी एच थ्री। ग, डब्ल्यू सी। घ, बेंजीन सिंगल बांड सी एच टू सिंगल बांड सी एच टू सिंगल बांड सी एच डबल बांड सी एच टू। च, बेंजीन सी एच थ्री ओ एच। छ, सी एच थ्री सी एच टू फोर सी एच सी एच टू थ्री सी एच थ्री सिंगल बांड सी एच टू सी एच सी एच थ्री ट्वाइस। ज, सी एच थ्री सिंगल बांड सी एच डबल बांड सी एच सिंगल बांड सी एच टू सिंगल बांड सी एच डबल बांड सी एच सिंगल बांड सी एच सिंगल बांड सी टू एच फाइव सिंगल बांड सी एच टू सिंगल बांड सी एच डबल बांड सी एच टू। उत्तर, क, सी एच थ्री फोर सी एच थ्री डबल बांड सी टू सिंगल बांड सी एच थ्री वन सिंगल बांड सी एच थ्री। दो मेथिल ब्यूट टू इन। ख, सी एच टू एक डबल बांड सी एच टू सिंगल बांड सी थ्री ट्रिपल बांड सी फोर सिंगल बांड सी एस थ्री फाइव पेंट एक इन तीन आइन। ग, सिंगल बांड एक दो तीन चार ब्यूट एक तीन डाई इन। घ, बेंजीन सी एस टू सिंगल बांड सी एस बेंजीन सी एस टू चार सिंगल बांड सी एस टू तीन सिंगल बांड सी एस दो डबल बांड सी एस टू एक। चार, फैनी ब्यूट एक इन। च, बेंजीन एक ओ एच दो सी एच थ्री। दो, मेथिल फिनाल। छ, सी एच थ्री सिंगल बांड सी एच टू छ नौ चार सिंगल बांड सी एच पाँच सिंगल बांड सी एच टू दो चार थ्री सिंगल बांड सी एच थ्री एक सिंगल बांड सी एच टू सिंगल बांड सी एच सिंगल बांड सी एच थ्री सिंगल बांड सी एच थ्री। पाँच, दो, मेथिल प्रोपिल डेकेन। जो, सी एच थ्री दस सिंगल बांड सी एच नौ डबल बांड सी एच आठ सिंगल बांड सी एच टू सिंगल बांड सी एच छ डबल बांड सी एच पाँच सिंगल बांड सी एच चार सिंगल बांड सी एच टू एच फाइव सिंगल बांड सी एच टू थ्री सिंगल बांड सी एच दो डबल बांड सी एच टू वन। चार, एथिल डेका एक पाँच आठ ट्राइन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित यौगिकों जिनमें द्विआवंध तथा त्रिआवंध की संख्या दर्शाई गई है के सभी प्रभावित स्थिति समावयवियों की संरचना सूत्र एवं आई यू पी ए सी नाम दीजिए। क, सी फोर एच आठ एक द्विआवंध। ख, सी फाइव एस आठ एक द्विआवंध। उत्तर, क, सी फोर एच आठ
एक द्विबंध, नंबर एक CH3 4, CH2 3, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 फर्स्ट, सेकंड C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, CH3 4 3 डबल बॉन्ड, C2 सिंगल बॉन्ड, CH3 फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, H सीस ब्यूट टू इन, फर्स्ट ब्यूट फर्स्ट इन, थर्ड सी सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, CH3 ट्रांस ब्यूट टू इन, फोर्थ CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 दो मेथिल प्रोप एक ईथ, ख C5H8 एक द्विबंध, फर्स्ट CH3 CH2 CH2 C2 ट्रिपल बॉन्ड, CH फर्स्ट पेंट एक आइन, नंबर दो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C ड ट्रिपल बॉन्ड, C2 सिंगल बॉन्ड, CH3 फर्स्ट पेंट टू आइन, थर्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड, तीन मेथिल ब्यूट एक आइन। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित यौगिकों के ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए, नंबर एक पेंट दो इन, नंबर दो 4-3 डाई मेथिल हेप्ट 3 इन, नंबर तीन 2-एथिल ब्यूट 1 इन, नंबर 4 1-फेनिल ब्यूट 1 इन। उत्तर नंबर एक CH3 5 सिंगल बॉन्ड, CH2 4 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 1। नंबर एक O3/C2 Cl2 196 के बटा, सेकेंड Zn/H2O पेंट दो इन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, O+O डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 प्रोपेनल एथेनल, सेकेंड CH3 7 CH2 6 CH2 5 सिंगल बॉन्ड, C4 सिंगल बॉन्ड, CH3 C3 C3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, H3C सिंगल बॉन्ड, CH3 3-4 डाई मेथिल हेप्ट 3 CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, O+O डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 पेंटेन दो ऑन, ब्यूटेन दो ऑन। नंबर तीन CH3 4 CH2 3 सिंगल बॉन्ड, C2 डबल बॉन्ड, CH2 फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 दो एथिल ब्यूट एक इन। नंबर एक O3C2 CH2 Cl2 196 के बटा, सेकेंड Zn/H2O C सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 C CH3 CH2 डबल बॉन्ड, O+O डबल बॉन्ड, CH2 मेथेन, फोर्थ पेंटेन 3-ON 2-एथिल ब्यूट एक इन, फोर्थ CH3 4 CH2 3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, CH6 CH5 1-फेनिल ब्यूट एक इन, फर्स्ट O3 CH2 Cl2 196 के बटा, सेकेंड Zn/H2 H2O CH3 CH2 CN डबल बॉन्ड, O+O डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH6 CH5 प्रोपेनॉल बेंजोइट हाइड। प्रश्न नंबर छः, एक एल्कीन A- के ओजोनी अपघटन से पेंटेन 3-ON तथा एथेनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, A- का IUPAC नाम तथा संरचना दीजिए। उत्तर एल्कील A-3 एथिल पेंट 2-ईन है, यह ओजोनी अपघटन पर एथेन ले तथा पेंटेन 3-ON देता है। इसकी संरचनाएं निम्नलिखित है CH3CHO एथेनॉल, O डबल बॉन्ड, C
सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 फर्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड C3, सिंगल बॉन्ड CH2 4 CH3 5, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 3 एथिल पेंट 2 ईन। प्रश्न नंबर 6, एक एल्केन ए में 3 C सिंगल बॉन्ड C 8 C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा आबंध तथा 1 C सिंगल बॉन्ड C पाई आबंध है। एक ओजोनी अपघटन से 2 अणु एल्डिहाइड जिनका मोलर द्रव्यमान 44 है देता है ए का IUPAC नाम लिखिए। उत्तर 44 U मोलर द्रव्यमान का एल्डिहाइड एथेनॉल CH3CHO है। एथेनॉल में 2 मोलों का एक साथ लिखकर उनके ऑक्सीजन परमाणु हटाते हैं और उन्हें द्विव आबंध द्वारा जोड़ देते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH CH3 अतः एल्केन है। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 या H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ब्यूटूइन में 3 C सिंगल बॉन्ड C 8 C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा आबंध तथा 1 C सिंगल बॉन्ड C पाई आबंध है। प्रश्न नंबर 7, एक एल्किन जिनकी ओजोनी अपघटन से प्रोपेनॉल तथा पेंटेन 3 ओन प्राप्त होते हैं का संरचनात्मक सूत्र क्या है। उत्तर उत्पाद है। CH3CH2CH OO प्रोपेनॉल CO(CH2)CH3CH2CH3 पेंटेन 3 ओन। प्रश्न नंबर 6 की समान हल करने पर एल्कीन है CH3CH2CH(CH2CH3)CH2H5 3 ethyl hex 3 ईन। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कार्बनों के दहन की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। नंबर 1 ब्यूटेन, नंबर 2 पेंटेन, नंबर 3 हेक्साइन, नंबर 4 टाली इन। उत्तर नंबर 1 C4H10G+13/2O2G प्रोडक्ट डेल्टा 4CO2G+5H2O G ब्यूटेन 2 C5H10G+15/2O2G डेल्टा प्रोडक्ट डेल्टा 5CO2G+5H2O G पेंटीन। थर्ड C6H10G+17/2O2G प्रोडक्ट डेल्टा C6CO2G+5H2O G हेक्साइन। 4 बेंजीन CH3G+9O2G प्रोडक्ट डेल्टा 7CO2G+4H2O G टालुइन। प्रश्न नंबर 9, हेक्स 2 इन की समपक्ष सी तथा विपक्ष ट्रांस संरचनाएं बनाइए। इनमें से कौन से समावयव का कंथनांक उच्च होता है और क्यों। उत्तर CH3 सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड एच सी हेक्स 2 इन CH3 डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 ट्रांस हेक्स 2 इन। किसी अणु का कथनांक द्विध्रुव अन्योनिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। चूंकि सी समावर्ती में उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होता है अतः इसका कथनांक उच्च होता है। प्रश्न नंबर 10, बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है क्यों। उत्तर बेंजीन का अति स्थायित्व अनुनाद या 7 इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण होता है। बेंजीन में सभी 67 इलेक्ट्रॉन 3 द्विआबंधों के विस्थापनीकृत होते हैं तथा अणु को स्थायित्व
प्रदान करते हैं। चित्र एक, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। यच ट्रिपल बॉन्ड यच। प्रश्न नंबर 11, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? उत्तर, किसी अणु में एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। नंबर एक, अणु में तल के ऊपर तथा नीचे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों का एक चक्रीय अभ्र होना चाहिए। नंबर दो, अणु समतली होना चाहिए, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण विस्थानीकरण के लिए वलय समतलीय होनी चाहिए जिससे पी कक्षकों का चक्रीय अतिव्यापन हो सके। नंबर तीन, इसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 है, इसे हकल नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन से निकाय एरोमेटिक नहीं है? कारण स्पष्ट कीजिए। बेंजीन CH2, नंबर 2, नंबर 3। उत्तर, फर्स्ट CH2, यह एक sp3 सक्रिय कार्बन परमाणु है, अतः अणु समतलीय नहीं होगा। अणु में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन निकाय पूर्णतः संयुग्मी नहीं है क्योंकि सभी पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय वलय के सभी परमाणुओं के चारों ओर चक्रीय इलेक्ट्रॉन अब भी नहीं बनाते हैं, अतः यह एरोमेटिक यौगिक नहीं है। नंबर दो, sp3 एरोमेटिक यौगिक नहीं है क्योंकि इनमें एक sp3 कार्बन परमाणु है जिसके कारण अणु समतलीय नहीं है, पुनः इसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः निकाय एरोमेटिक नहीं है क्योंकि 4n+2π इलेक्ट्रॉन युक्त समतलीय चक्रीय अब उपस्थित नहीं है। नंबर तीन, बेंजीन एरोमेटिक नहीं है क्योंकि यह 8 इलेक्ट्रॉनों युक्त निकाय है, अतः यह हकल के नियम अर्थात 4n+2π इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करता है। साथ ही यह समतलीय न होकर टब आकृति का होता है। प्रश्न नंबर 13, बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे? नंबर एक, P-nitro-ब्रोमो-बेंजीन। नंबर दो, M-nitro-क्लोरो-बेंजीन। थर्ड, P-nitro-टालुइन। फोर्थ, एसिटोफिनॉल। उत्तर, नंबर एक, बेंजीन VR2 निर्जल, FeVR3 ब्रोमिनीकरण बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन VR HNO3/H2SO4 नाइट्रीकरण O2NP ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन प्रमुख VR+NO2Br ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन अल्प प्रभाजी आसवन O2NVR P ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन सेकेंड बेंजीन HNO3/H2SO4 डेल्टा बटा नाइट्रीकरण बेंजीन नाइट्रो बेंजीन NO2Cl2 निर्जल AlCl3 डेल्टा बटा क्लोरो क्लोरीनीकरण ClNO2M क्लोरो नाइट्रो बेंजीन थर्ड CH3 बेंजीन CH3Cl निर्जल AlCl3FC एल्किलीकरण टालुइन CH3 तनु HNO3+ तनु H2SO4 डेल्टा नाइट्रीकरण O2N बेंजीन CH3P-nitro टालुइन मुख्य NO2CH3 अल्फा नाइट्रो टालुइन गुड़ प्रभाजी आसवन O2NNH3 बेंजीन P-nitro टालुइन फोर्थ बेंजीन प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CL एसिटिक क्लोराइड निर्जल AlCl डेल्टा बटा FC एल्किलीकरण बेंजीन
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस एच सी एल एसी टू फिनॉल। प्रश्न नंबर 14 एल्केन एच सी सी एच टू सी सी एच 32 सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री में 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री कार्बन परमाणु की पहचान कीजिए तथा प्रत्येक कार्बन से आबंधित कुल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी बताइए। उत्तर एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच 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 सी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड एच 5 1 कार्बन परमाणुओं से 15 एच संघनन है 2 डिग्री कार्बन परमाणु से 4 एच संघनन है 1 3 डिग्री कार्बन परमाणु से 1 एच संघनन है। प्रश्न नंबर 15 कथनांक पर एल्केन की श्रृंखला के शाखन का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर एल्केन के कथनांक शाखन के साथ घटते हैं क्योंकि शाखन बढ़ने पर एल्केन का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के समान हो जाते हैं। चूँकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है अतः आर्डर वाल्स बल न्यूनतम होते हैं अतः शाखन पर कथनांक घटते हैं। प्रश्न नंबर 16 प्रोपीन पर एच बी आर के सकल लन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है जबकि बोजायर पराक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया 1 ब्रोमोप्रोपेन देती है। क्रियाविधि की सहायता से इसका कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रोपीन पर एच वी आर का प्रयोग का योग आयनिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया है जो मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होती है। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम एच जुड़कर 2 डिग्री कार्बोधनायन देता है। इस कार्बोधनायन पर नासकी नाभिक स्नेही वी आर आयन को शीघ्रता से आक्रमण होता है तथा 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच प्लस एच सिंगल बॉन्ड वी आर सिंगल बॉन्ड एच प्लस प्लस वी आर माइनस मंद सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री इलेक्ट्रोन्स ने ही नंबर 2 कार्बोधनायन सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच प्लस सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस वी आर माइनस नाभिक्स ने ही त्रिव सी एच टू सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड वी आर 2 ब्रोमोप्रोपेन बेंजॉयल पराक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के अनुसार होती है। इस अभिक्रिया में वी आर मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में कार्य करता है जो बेंजॉयल पराक्साइड की एच वी आर से क्रिया द्वारा प्राप्त होता है सी सिक्स एच फाइव सी ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी ओ सी सिक्स एच फाइव प्रोडक्ट डेल्टा 2C6H5COO प्रोडक्ट डेल्टा 2C6H5 प्लस 2CO2 फेनिल मूलक C6H5 प्लस H सिंगल बॉन्ड VR सिंगल बॉन्ड C6H6 प्लस VR बेंजीन मुक्त मूलक प्रोपीन पर इस प्रकार क्रिया करता है कि अधिक स्थायी द्वितीय 2 डिग्री मुक्त मूलक की उपस्थिति हो सके। यह 2 डिग्री मूलक एच बी आर में 1 एच परमाणु ग्रहण कर 1 ब्रोमोप्रोपेन देता है। सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस वी आर मंद सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू वी आर द्वितीय 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू वी आर प्लस सी एच सिंगल बॉन्ड वी आर त्रिव सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू वी आर प्लस वी आर 1 ब्रोमोप्रोपेन। प्रश्न नंबर 17 1-2 डाई मेथिल वेंजीन ओ जाइलीन के ओजोनी अपघटन के फलस्वरूप निर्मित उत्पादों को लिखिए। यह परिणाम वेंजीन की केकुले संरचना की पुष्टि किस प्रकार करता है। उत्तर ओ जाइलीन को निम्नलिखित 2 केकुले संरचनाओं को अनुनाद सकर माना जाता है। प्रत्येक के ओजोनी अपघटन में 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं सी एस थ्री फर्स्ट सेकेंड सी एस थ्री
फर्स्ट ओ थ्री सी एच टू सी एल टू 195 की, सेकेंड जेड एन बटा एच टू ओ, सी एस थ्री सेकेंड फर्स्ट ओ थ्री सी एच टू सी एल टू 195 के, सेकेंड जेड एन बटा एच टू ओ, ओ बराबर सी एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री डबल बॉन्ड ओ, मैथिल ग्लाइऑक्सल ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री डबल बॉन्ड ओ, एक दो डाई मेथिल ग्लाइऑक्सल सी एच बराबर ओ सी एच बराबर ओ ग्लाइऑक्सल सी एच बराबर ओ प्लस दो सी एच बराबर ओ ग्लाइऑक्सल, अतः समग्र रूप से तीन उत्पाद निर्मित होते हैं, चूँकि सभी तीन उत्पाद दो की कुल संरचनाओं में से एक से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि जीरो जाइलिन दो के कुल संरचनाओं का अनुनाद सकल है। प्रश्न नंबर 18, बेंजीन यन हेक्सेन तथा एथाइन को घटते हुए अम्लीय व्यवहार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इस व्यवहार का कारण बताइए। उत्तर, इन तीनों यौगिकों में कार्बन की सकरण अवस्था निम्नवत है, एस पी टू एच बेंजीन सी एस थ्री सी एस टू फोर हेक्सेन सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री एस पी थ्री एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस पी सिंगल बॉन्ड एच एसी टीलीन, कक्षक का प्रकार यस लक्षण, एस पी टू 33.3%, एस पी थ्री 25%, एस पी 50%। कक्षक का पांच लक्षण बढ़ने पर अम्लीय लक्षण बढ़ता है, अतः अम्लीय लक्षण निम्न क्रम में घटता है, एसीटिलीन वेंजीन हेक्सेन। प्रश्न नंबर 19, वेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सरलतापूर्वक क्यों प्रदर्शित करती है जबकि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है। उत्तर, C6H6 वेंजीन की कक्षक संरचना प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन अभिवलय के ऊपर तथा नीचे स्थिर है तथा ढीला व्यवस्थित है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए आसानी से उपलब्ध है, अतः वेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शीघ्रता से देती है तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं कठिनता से देती है। प्रश्न नंबर 20, आप निम्नलिखित यौगिकों को वेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे? नंबर 1 एथाइन, नंबर 2 एथीन, नंबर 3 हेक्सेन। उत्तर, नंबर 1 3SC ट्रिपल बॉन्ड HC रक्त तप्त FE नलिका 873 के वेंजीन, सेकेंड CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 एथीन Br2 बटा CCl4 प्रोडक्ट Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्रोडक्ट KOH एल्किल डेल्टा बटा विहाइड्रो ब्रोमीनीकरण CH2 डबल बॉन्ड CHBr वाइनील ब्रोमाइड NaNH2 बटा LiNH3 बटा 196 की, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन रक्त तप्त FE नलिका बटा 873 की, C6H6 वेंजीन। नंबर 3 CH2 CH3 हेक्सेन Cr2O3 बटा V2O5 MO2O3 सिंगल बॉन्ड Al2O3 चक्रीकरण माइनस H2 वेंजीन साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक करण माइनस 3H2 वेंजीन। प्रश्न नंबर 21, उन सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए जो हाइड्रोजनीकरण करने पर दो मेथिल एक ब्यूटेन देती है। उत्तर, उत्पाद की संरचना निम्नवत है, CH3 CH2 CH3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ CH सिंगल बॉन्ड CH3 दो मेथिल ब्यूटेन, विभिन्न एल्कीनों जो हाइड्रोजनीकरण पर यह उत्पाद देती है नीचे दी गई है, CH3 4 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट CH3 फर्स्ट सिंगल बॉन्ड C2 CH3
डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री फोर, सी एच टू फर्स्ट डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, थ्री मेथिल ब्यूट एक इन, दो मेथिल ब्यूट दो इन, दो मेथिल ब्यूट एक इन। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित यौगिकों को उनकी इलेक्ट्रॉन स्नेह ई के प्रति घटती अपेक्षित क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क क्लोरोबेंजीन, दो चार डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ख ख टॉलुइन, पी सी एच थ्री सी थ्री, पी एच थ्री सी सी सिक्स एच फोर एन ओ टू, पी ओ टू एन सी सिक्स एच फोर एन ओ टू। उत्तर क क्लोरोबेंजीन, पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, दो चार डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ख टॉलुइन, पी सिंगल बॉन्ड एच थ्री, सी सिंगल बॉन्ड सी सिक्स एच फोर, सिंगल बॉन्ड एन ओ टू ग्रेटर देन पी सिंगल बॉन्ड ओ टू एन, सिंगल बॉन्ड सी सिक्स एच फोर, सिंगल बॉन्ड एन ओ टू। प्रश्न नंबर 23, वेंजीनियम डाई नाइट्रो वेंजीन तथा टॉलुइन में से किसका नाइट्रीकरण आसानी से होता है और क्यों। उत्तर, सी एच थ्री समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है जबकि एन ओ टू समूह इलेक्ट्रॉन निष्कासन होता है, अतः अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व टॉलुइन में होगा, उससे कम वेंजीन में तथा सबसे कम यम डाई नाइट्रो वेंजीन में, अतः नाइट्रीकरण का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। टॉलुइन ग्रेटर देन वेंजीन ग्रेटर देन यम डाई नाइट्रो वेंजीन। प्रश्न नंबर 24, वेंजीन के एथिलीकरण में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के स्थान पर कोई दूसरा लुइस अम्ल सुझाए। उत्तर, निर्जल एफ ई सी एल थ्री, एस एन सी एल फोर, बी एफ थ्री आदि। प्रश्न नंबर 25, क्या कारण है कि बुझ अभिक्रिया विषम संख्या कार्बन परमाणु वाले विशुद्ध एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विषम संख्या कार्बन परमाणु युक्त एल्केन के बनाने में दो एल्किन हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों एल्किन हैलाइड तीन विभिन्न प्रकारों से अभिकृत होकर वांछित एल्केन के स्थान पर तीन एल्केनों का मिश्रण बनाते हैं, एक ब्रोमो प्रोपेन तथा एक ब्रोमो ब्यूटेन की बुटुज अभिक्रिया से हेक्सेन हेप्टेन तथा ऑक्टेन का मिश्रण प्राप्त होता है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है। सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर प्लस टू एन ए प्लस बी आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री शुष्क इथर, एक ब्रोमो प्रोपेन एक ब्रोमो प्रोपेन डेल्टा मा सिंगल बॉन्ड टू एन ए बी आर सी एच थ्री सी एच टू 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 हेक्सेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सिंगल बॉन्ड बी आर प्लस टू एन ए प्लस बी आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री एक ब्रोमो प्रोपेन एक ब्रोमो ब्यूटेन शुष्क इथर बटा डेल्टा माइन डेल्टा सिंगल बॉन्ड टू एन ए बी आर सी एच थ्री सी एच टू 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 सी एच थ्री हेक्टेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सिंगल बॉन्ड बी आर प्लस टू एन ए प्लस बी आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री शुष्क इथर बटा डेल्टा माइनस टू एन ए बी आर सी एच थ्री सी एच टू 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 सी एच थ्री ऑक्टेन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।